सिविल से लर्नर्स तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्क कल्चर के बारे में पढ़ेंगे वर्क कल्चर क्या होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके कॉम्पोनें क्या क्या हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे तो चलिए आइए शुरू करते हैं वर्क कल्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसमें कल्चर उसकी यूनिक सेट ऑफ कैटेस्टिक्स होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की तो जो उसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है तो उससे एक कल्चर डेवलप हो जाता है और उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं जैसे इट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर पीपल शेयर देयर व्यूज़ देयर आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ का वर्क कल्चर बताता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा इन्वॉर्मेंट प्रोवाइड कर रही है या उसका आ, कैसा इन्वॉमेंट है जैसे लोग आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करती हैं आपका आपके वर्क प्लेस पर कैसा लोगों के साथ रिलेशन है आ, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क परफॉर्मेंस भी रहेगा आपकी वर्क सेटिस्फैक्शन उसके अकॉर्डिंग रहेगी So it ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफ़िक होता है ये डिस्टिंग्विश करता है ऑर्गेनाइजेशन को आपस में ईच अदर से एंड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर वे ऑफ वर्क कल्चर है जैसे कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कस्टमर बेस्ड है तो वो कस्टमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है तो दे ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट मोर सेफ़र फॉर दी कस्टमर्स तो ये डिपेंड करता है कि वो और उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है तो वर्क कल्चर बहुत सारी चीज़ों को गाइड करता है It helps us in different ways. वर्क कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर एक हेल्दी वर्क कल्चर उस एनवॉर्मेंट प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है और इससे क्या होता है कि वर्क प्रोग्रेसिव होता है परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है चलिए आइए देखते हैं कि करके क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो फर्स्ट वन इज़ क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप अगर अच्छी जगह वर्क कर रहे हो जहाँ का वक कल्चर अच्छा है तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाती है और आइडेंटिटी आपकी खुद की पहचान होती है कि आप बताते हो आप सर्टन कंपनीज में काम करते हो जिससे अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी में आप वर्क कर रहे हो लाइक यू वर्किंग इन आई बी एम एंड इन्फोसिस देन यू आर जस्ट लाइक आई बिलोंग टू देयर सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी देन इट इट हार्बोनाइजेज़ गुड रिलेशनशिप एंग ऑम दी इम्प्लॉयज़ दो इम्प्लॉयज़ होते हैं अगर अच्छे ऑर्गनाइशंस में अच्छी वर्क कल्चर है तो क्या होता है कि उसके गुड रिलेशन डेवलप हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में और जिसकी वजह से काम आसानी से कैरी आउट आप कर सकते हो और क्या करता है कि बेटर परफॉर्मेंस होगा आपका जब आप बेटर परफॉर्म करोगे आपका वर्क कल्चर अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो जाती है आपका परफॉर्मेंस इन्हांस होगा आप ऑर्गेनाइजेशन को समझोगे एक दूसरे के जिस एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो उसको समझोगे आपका अप्रोच काफ़ी क्रिएटिव हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड परसपेक्टिव से काम करोगे आप अपनी वैल्यूज़ को साथ ही साथ अदर बाकी लोगों की वैल्यूज़ को भी इंपॉर्टेंस दोगे तो क्या होगा कि आपकी इट गाइड्स योर शेप इट्स गाइड्स एंड शेप्स योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर ट्ड्स द इम्प्लॉयज तो आपका एम्प्लॉय के थ्रू बिहेवियर क्या है इससे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो हो जाएंगे सेट हो जाएंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे और ये फैसिलिटेट करेगा एक प्रॉपर अच्छा इन्वॉर्मेंट जिसकी वजह से सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे सब लोग अच्छी तो आप गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में आसानी हो जाएगी तो एक वर्क कल्चर हेल्दी वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना वर्क कल्चर होता है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देती है कुछ कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस देती है तो अकॉर्डिंग टू दैट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में चलिए आइए देखते हैं सो द फर्स्ट वन इज विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है विजन मीन्स uh, किसी मिशन पे है वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को वैल्यू कर रहे हैं क्वालिटी को वैल्यू कर रहे हैं एफिशिएंसी को वैल्यू कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन स्टेटमेंट होता है जो कि सिंपल होता है बट फाउंडेशनल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस वैल्यूज़ पे ऑपरेट करेगी काम करेगी नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट वैल्यू एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट वैल्यू यानी कि ह्यूमन वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है जब हम दो दो तीन लोग साथ में मिलकर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना उनकी वैल्यूज़ को उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना कोऑपरेट करना फ्रेंडली रहना साथ साथ एग्रेसिव नहीं होना ताकि एक हम प्रॉपर ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ साथ एक कल्चरल वैल्यूज़ को भी मैंटेन करें ताकि एक अच्छी इन्वामेंट मेंटेन हो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जहाँ पर मैनेजमेंट को भी आप वैल्यू करोगे मैनेजमेंट भी एज अ एम्प्लॉय आपकी वैल्यू करेगा तो वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगा नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है लीडरशिप स्टाइल मीन्स कि अगर आपका लीडर कैसा है वो कौ, किस वे में आपको लीड कर रहा है अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल मींस मैंने बताया था कि बहुत ही कमांडिंग हो जाते हैं ऑर्डर सिर्फ दे रहे हैं आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं एम्प्लॉय की बातों को नहीं सुना जा रहा है काफ़ी प्रेशर में अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो जाएगी वहाँ पर एम्प्लॉय क्या होगा बहुत डर डर का कर कर काम करेगा प्रेशराइज होकर काम कर रहा है तो हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपनी क्रिएटिव थाट्स को भी नहीं शेयर कर पा रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी उसकी क्रिएटिव स्पेस उसको नहीं दी जा रही है तो क्या होगा ये वो एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से उसको वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं होगा वो एम्प्लॉय भी अच्छे से काम नहीं करेगा उसकी एफिशेंसी कम रहेगी तो अगर यही डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है तो क्या होगा यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाता है डिसीजन मेकिंग में हर किसी की डिसीजन को वो पूछता है कि हाँ ठीक है आप इसके बारे में क्या सोचते हो और सबके मोटिव सबके ओपिनियंस को शेयर करने के लिए क्रिएटिव ओपिनियंस लेता है सबका शेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जजमेंट करता है यानी कि आपको पार्टिसिपेट करने करने में डिसीजन में अगर हेल्प करता है तो क्या होता है कि वहां का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर काफी ओपन हो जाता है सपोर्टिव हो जाती है और जब इंप्लॉयज को ऐसा फील होता है कि वो उनकी वैल्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो और बेहतर तरीके से काम करते हैं और उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स कि अब अब कैसा वहाँ का वर्क कल्चर है किसी भी ऑर्गनाइजेशन का वो काफ़ी हद तक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है वहाँ का बजट टाइट है लूज है सो डिपेंडिंग अपॉन गुड फाइनेंशियल और इफ़ द फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट ओके सो वर्क कल्चर विल बी वेरी टाइट तो लोगों के लिए क्रिएटिव स्पेस ज़्यादा नहीं दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन भी हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन uh, के वर्क कल्चर को सेटअप करने नेक्स्ट है पॉलिसीज पॉलिसीज एंड एंड हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कंपनी का उसकी कुछ पॉलिसीज होती है जो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और आप जब ऑपरेशन पार्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के तो वहां पे अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छी वैल्यूज दी जा रही है एम्प्लॉयज अगर एसेट की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं केयर उनकी की जा रही है उनका रिस्पेक्ट किया जा रहा है तो क्या होता है आप, इम्प्लॉज़ अच्छे तरीके से होकर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जा रही है तो वो क्रिएटिव वो, स्पेस अगर उनको मिलेगा तो ओबियस वो अच्छे तरीके से कर, वर्क करेंगे अच्छे तरीके से वर्क करेंगे तो एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो जाएगा और जो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा नेक्स्ट इज कैटरस्टिक्स ऑफ इम्प्लॉयज एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल कैटेस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज लेकिन हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो लेस ट्रेडिशनल हैं लेस रिस्क टेकर हैं तो ऑबियस इन्वायमेंट वैसा होगा अगर यंग एम्प्लॉयज़ हैं फ्रैंकनेस ऑफ ओपिनियन है वो अपनी ओपिनियंस को रखते हैं न्यू वेंचर्स को रिस्क लेने में वो डरते नहीं हैं दिल गो फॉर दी रिस्क सो दे दे डोंट लिव ऑन दी एज सेफर जो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता है तो क्या होता है कि उस तरह से वहाँ का इन्वायमेंट डेवलप हो जाता है और उसी अकॉर्डिंग वर्क कल्चर ऑपरेट कर रही होती है सो दिस इज़ इट ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ भी काफ़ी हद तक उसके स्टाइल को अफेक्ट करता है तो उसका साइज क्या है यानी कि अगर बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अप्रोच करना डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ़ लीडरशिप होती है आप रख सकते हो लेकिन अगर बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ़ लीडरशिप थोड़ी काम नहीं कर सकती है सो so, थोड़ा थोड़ा ऑटोक्रेटिक uh, और डेमोक्रेटिक मिक्सअप होकर ऑर्गेनाइजेशन uh, कल्चर होता है तो डिपेंडिंग अपॉन साइज़ स्मॉल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो कल्चर वेरी करती है तो वर्क कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए uh, इंपॉर्टेंट होता है तो आज हमने देखा वो कल्चर के बारे में उसके इंपॉर्टेंस के बारे में उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में होप आप सब लोगों का क्लियर है अगर कोई भी कोई डी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आपका दिन शुभ हो धन्यवाद